रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज बाड़मेर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर पलटवार दिया। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगी हुई है, इस मौके पर धमकियां देना बड़ा अशोभनीय है। सचिन पायलट बोले, पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर अगर हम सब जड़ तक पहुंचकर बड़े लोगों को एक्सपोज करते हैं तो उसका मैं हमेशा से स्वागत करता रहा हूँ, लेकिन भाजपा सरकार को प्रतिशोध और बदलने की भावना से काम नहीं करना चाहिए। सचिन पायलट बुधवार को बाड़मेर से सुबह मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लिए कहा कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। जयपुर में द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सॉलिडेरॉइड द्वारा 2021-22 में प्रारंभ किए गए सरसों मॉडल फॉरम प्रोजेक्ट और भारत में सरसों उत्पादन वृद्धि में सहायक सिद्ध हो रहा है। कार्यक्रम के तहत अब तक 5 राज्यों में 3500 से अधिक सरसों मॉडल फॉरम स्थापित किए गए, जिसमें 1,22,500 से अधिक किसान सीधे रूप से लाभान्वित हुए। सरसों मॉडल फॉरम प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए गए प्रयासों के अनुकूल मौसम और सरसों के मूल्य के परिणाम स्वरूप भारत में प्रतिवर्ष सरसों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय झुंझुनूवाला ने कहा कि सरसों मॉडल फार्म प्रोजेक्ट की सफलता आंकड़ों में स्पष्ट है, जो सरसों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने मस्टर्ड के जो क्रॉप सर्वे कराया है, हमारी संस्था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मुंबई, ये हर साल सरसों की क्रॉप सर्वे कराती है और उसको यहाँ जयपुर में उस क्रॉप के सर्वे का रिजल्ट डिस्प्ले किया जाता है। तो यहाँ हमने पत्रकार भाइयों को सबको बुला के ये बताने की कोशिश की है कि हमारा एसोसिएशन मस्टर्ड के प्रोडक्शन बढ़ाने में क्या कार्य कर रहा है और इस साल क्या सरसों का क्रॉप नंबर है, जो कि हमारे द्वारा 121 लाख टन के आसपास फसल होने का अनुमान है सरसों सीड का, और रकबा जो है ऑल ओवर इंडिया लगभग 100 लाख हेक्टेयर के आसपास है। बस्सी में बाबा श्याम का याराना ग्रुप के तत्वाधान में श्री श्याम भजन संध्या का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उद्योगपति गिरिराज जी प्रजापत के सहयोग से 7 अप्रैल रविवार को बड़े धूमधाम से गांव सांख सांबरिया रोड बस्सी में होने जा रहा है। कार्यक्रम में श्याम बाबा की पवन अखंड ज्योति, अलौकिक श्रृंगार और पुष्प वर्षा और छप्पन भोग के साथ बाबा की अलौकिक झांकी सजाई जाएगी। बीकानेर से खबर, जहां लोकसभा के चुनाव आयोग में सामान्य पर्यवेक्षक सौरभ भगत ने किया कोलायत का दौरा। उन्होंने ब्लॉक के सभी अधिकारियों के साथ में वीसी के रूप में मीटिंग ली। उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुमार सहित ब्लॉक लेवल के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। सौरभ भगत ने मीटिंग में सभी अधिकारियों से मतदान की व्यवस्था के बारे में चर्चा की और अपने सुझाव दिए। सूरतगढ़ के से खबर, जहां श्री गंगानगर लोकसभा चुनावों को कांग्रेस प्रत्याशी जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पुरानी बस स्टैंड के सामने विधायक डूंगर राम गेदर ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष परसाराम भाटिया, राज्यसर ब्लॉक अध्यक्ष गिरधर स्वामी व गगन विडिंग और अमित कड़वासरा और राजा राम गोदारा, बलराम वर्मा व कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव है अभी, तो लोकसभा क्षेत्र गंगानगर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो कुलदीप इंदौरा को चुनावी मैदान के अंदर उतारा है, तो विधानसभा चुनाव के अंदर यहाँ से कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिला था, तो लगातार यहाँ पे अभी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है लोकसभा क्षेत्र पर। अब की बार चुनाव के अंदर क्या रहेगा, कांग्रेस अपने आप को किस स्थिति में मानती है? श्री गंगानगर लोकसभा में पहले भी विधानसभा चुनाव के अंदर बड़ा ऐतिहासिक रिजल्ट कांग्रेस पार्टी का रहा है। 5 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीते हैं, 1 विधायक कांग्रेस का बाकी जीता है और भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 विधायक हैं।
और जो जीते हैं वो भी 54,000 से, 50,000 से, 48,000 से, 42,000 से, इस तरह के भारी बहुमत से जीते हैं। तो इसलिए कांग्रेस गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है और हमारे जो उम्मीदवार हैं श्री कुलदीप इंदौरा जी वो भी बहुत मजबूत हैं, क्योंकि उनके पिताजी 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और स्वच्छ छवि हीरालाल इंदौरा जी की रही है। कुलदीप इंदौरा जी राष्ट्रीय सचिव हैं, इस नाते एक संगठन में अच्छी पकड़ वाले व्यक्ति हैं, तो इसलिए कांग्रेस। गढ़साना में से खबर, जहां संस्कृति ए ग्लोबल स्कूल में नेवर गिव अप थीम के साथ वार्षिक उत्सव समारोह 2024 बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में शामिल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्कूल के सभी बच्चों ने प्रस्तुति दी। वह कार्यक्रम के दौरान विभिन्न गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। उपस्थित सभी अतिथियों का संस्था प्रबंधक रमेश कुमार जांगिड़ और प्रधानाचार्य रॉय जॉर्ज ने स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। जयपुर से खबर, जहां विधायकपुरी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 साल से फरार स्थायी वारंटी आरोपी जावेद को गुजरात से गिरफ्तार किया। जयपुर डीसीपी साउथ देवगंत आनंद ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना में वांछित अपराधियों और स्थायी वारंटी इनामी अपराधी व मुकदमात में वांछित मुलजिमान को विशेष अभियान के तहत थानाधिकारियों को अधिक से अधिक अपराधियों की तलाश कर धरपकड़ करने के निर्देश किया था। अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए विधायकपुरी थाना पुलिस ने थानाधिकारी शेषकरण के नेतृत्व में थाना स्पेशल टीम ने कांस्टेबल दिनेश यादव की सूचना पर गुजरात में दबिश दी और 15 साल से फरार स्थायी वारंटी जावेद अयूब कराड़िया को गुजरात से गिरफ्तार किया। जयपुर में एशियन चैंपियनशिप टेगाइटे फिलीपींस में आयोजित होगी। UWW ग्रैपलिंग एशियन चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए जम्मू रामगढ़ निवासी हंसराज मीणा का एशियन चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ। चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 6 मई के बीच होगा। गत दिनों पिछले वर्ष भी वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप पोलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। सूरतगढ़ से खबर, जहां यूथ कांग्रेस का डोर टू डोर अभियान शुरू हो गया। 10,000 घरों तक यूथ कांग्रेस पहुंचेगी और जनता को कांग्रेस के संकल्प पत्र से योजनाओं को बताएगी। टोल फ्री नंबर से संकल्प पत्र की गारंटी भी दी जाएगी, साथ ही ऐप के माध्यम से सदस्य भी बनाए जाएंगे। रायबरेली से खबर, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। खीरो थाना क्षेत्र के नई बाजार कस्बे का मामला है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में अखिलेश पुत्र श्याम उम्र 15 वर्ष का शव गांव के बाहर पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला है। भीलवाड़ा से खबर, जहां कांग्रेस से लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर सीपी जोशी ने मंगलवार शाम भीलवाड़ा पहुंचे, जहां जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से उनका स्वागत किया। इससे पहले जोशी का गुलाबपुरा व रायला में भी अभिनंदन किया गया और कांग्रेस द्वारा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर सीपी जोशी को भीलवाड़ा सीट पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद वो पहली बार भीलवाड़ा पहुंचे।